हेलो गाइज, माय नेम इज कृष्णा एंड आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। आपका हमारी सीरीज डिफरेंस बिटवीन बाय कृष्णा में स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं टू ऐसे वर्ड्स के बारे में जिनमें मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, या तो स्पेलिंग लेवल पर यानी स्पेलिंग को लेकर के, या फिर उसके साउंड को लेकर के कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या दें। ओके, तो आज इस सीरीज में जो हमारा टॉपिक है वो है करियर और कैरियर। हम जानेंगे इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है और किस सीन में आपको कौन सा वर्ड यूज करना है। ओके, तो पहले हम डिस्कस करते हैं करियर। स्पेलिंग देखिए, CARER, राइट? तो इसकी स्पेलिंग में 6 लेटर्स हैं और ई डबल है, तो इस वर्ड को आपको साउंड करना है करियर। ओके, CARER, करियर। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन। इसका हिंदी मीनिंग होता है गाइज व्यवसाय, यानी जब आप किसी के जॉब या प्रोफेशन यानी व्यवसाय की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको वर्ड यूज करना है करियर। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप अपने करियर को लेके सीरियस हो, तो इसका मतलब यह हुआ मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि जो भी आप काम करते हो, जो आपका जॉब है या प्रोफेशन है, क्या आप उसको लेकर के गंभीर हैं। ओके, मैं अपने करियर को लेकर के बहुत सीरियस हूं, इसका मतलब जिस काम को मैं करता हूं, लाइक मैं टीचिंग करता हूं, तो मैं टीचिंग को लेकर के सीरियस हूं कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊं, राइट? तो जब हम किसी के जॉब या प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हमें वर्ड क्या यूज करना है? करियर, CARER। ओके, अब कुछ हम एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं कि किस तरीके से हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे, कैसे हम इस वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल ES1 यानी एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 1, दिस करियर इज गुड फॉर यू, यानी ये करियर आपके लिए अच्छा है। सपोज करिए आप किसी ऐसे करियर में है यानी ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है, यानी जो आपका प्रोफेशन भी है लेकिन पैशन भी है आपका उसमें, तो मैं कहूंगा दिस करियर इज गुड फॉर यू, ये करियर आपके लिए अच्छा है। सेकंड एग्जांपल, आई बिगेन माय करियर एज ए टीचर इन 2010। तो ये मेरा पर्सनल सीक्रेट है गाइज, यानी मैं अपने बारे में एक बात बताना चाहूंगा आपको कि मैंने अपना जो टीचिंग करियर है ये कब स्टार्ट किया था? 2010 में। अब यही बात मुझे इंग्लिश में बोलनी है तो मैं कैसे बोल सकता हूं? आई बिगेन माई करियर एज ए टीचर इन 2010, राइट? मैंने अपना टीचिंग का करियर 2010 में शुरू किया था। सेंटेंस नंबर 3, सर गेव अस अ नाइस करियर टॉक, सर ने हमें एक अच्छी करियर टॉक दी, यानी सर ने हमें बताया कि आपको कौन सा करियर पिक करना चाहिए, है ना, किस करियर के लिए कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है, तो ये सारी बातें सर ने हमें बताई, तो हमने कहा सर गेव अस अ नाइस करियर टॉक, सर ने हमें अच्छी करियर टॉक दी। ओके, तो गाइज आपको करियर के बारे में काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड और वो है कैरियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्पेलिंग देखिए, CARER, इसमें डबल क्या है? आर। ओके, और जब आप इस वर्ड को डिस्कस कर रहे थे करियर, तो यहां पर डबल क्या है? ई। ओके, और कैरियर में डबल क्या है? आर। तो ये एक डिफरेंस है, थोड़ा सा इसे ध्यान रखें। ओके, तो स्पेलिंग CARER, प्रोनाउंसिएशन क्या है? कैरियर। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका भी नाउन है और हिंदी मीनिंग क्या है गाइस इसका? कैरियर का, ढोने वाला, जिस चीज को भी, इसमें डिवाइस भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी साइकिल में भी एक कैरियर होता है, इसमें पर्सन भी हो सकता है, जैसे पोर्टर यानी जो कुली होता है वो भी क्या है? कैरियर है, क्योंकि वो हमारे सामान को कैरी करता है। ओके, और इसमें कोई कंपनी भी आ सकती है जो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ध्यान रखें कि वर्ड जो है अलग अलग सीन में यूज हो सकता है, पर्सन के लिए भी हो सकता है, डिवाइस के लिए भी हो सकता है, और किसी कंपनी के लिए भी हो सकता है जो हमें ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो कैरियर मींस ढोने वाला। अब देखिए इसमें कुछ एग्जांपल सेंटेंस, ES1 यानी एग्जांपल सेंटेंस नंबर 1 आप देखेंगे यहां पर, देयर इज अ पेट कैरियर इन माई कार। अपने पैट्स को जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो ले जाने के लिए एक डिवाइस होती है जिसमें पैट्स को रखा जाता है, जिससे कि हम उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं? पैट कैरियर। तो मैंने वर्ड यूज किया है देयर इज अ पैट कैरियर इन माय कार, मेरे कार में एक पैट कैरियर है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस, विच कैरियर इज बेटर। सपोज मुझे अपना कोई माल यानी सामान इस शहर से जहां मैं हूं किसी दूसरे शहर में ट्रांसपोर्ट करना है, तो मैं अपने किसी फ्रेंड से पूछ रहा हूं कि भाई विच कैरियर इज बेटर, यानी बाय एयर भेजना चाहिए मुझे या बाय रोड ट्रांसपोर्ट लाइक बस ट्रक,
है ना, कौन सा मुझे मीडियम यूज करना चाहिए या बाय ट्रेन। तो सेंटेंस क्या है, विच कैरियर इज बेटर, यानी कौन सा कैरियर बेटर है। नंबर थ्री, द कैरियर ऑफ माई साइकिल इज ओल्ड, मेरी जो साइकिल है उसका जो कैरियर है वो पुराना है। राइट, कैरियर आप समझते होंगे, आपकी साइकिल में एक डिवाइस होती है जिसमें आप सामान ढो सकते हैं और कई बार अपने दोस्तों को भी ढो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर। तो गाइज आज के इस वीडियो से आपको जो म्यूचुअल डिफरेंस है करियर और कैरियर का, ये काफी हद तक क्लियर हो गया होगा ऐसा मुझे भरोसा है। लेकिन आपको करना क्या है, जैसे सर ने थ्री सेंटेंसेस दिए हैं, ओके, दोनों में हमने करियर में भी थ्री सेंटेंसेस प्ले किए हैं और करियर में भी हमने आपको थ्री एग्जांपल्स प्ले किए हैं, तो आपको करना यह है कि एटलीस्ट थ्री थ्री एग्जांपल आप अपनी तरफ से दीजिए, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। क्योंकि पर्सनल एग्जांपल्स अगर आपके राइट रहते हैं तो इसका मतलब है कि इनका म्यूचुअल डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। ओके गाइज, कैसा भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा, मैं उसको बहुत सीरियसली लेता हूं। अगर आपके कमेंट में कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो मुझे लगता है कि इसको मुझे रेस्पॉन्ड करना चाहिए तो मैं उसको जरूर अटेंड करूंगा। ओके, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो में आपने कुछ अच्छा फील किया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें, पसंद नहीं आया हो तो बताएं इसमें क्या गड़बड़ थी। ओके, और शेयर कर दीजिएगा अपने किसी ऐसे फ्रेंड को जिसको जरूरत है इस तरह के लेसन की। फिर मिलते हैं अपनी नई क्लास में, टिल देन जय हिंद।